नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। तो आज बहुत ही खास दिन है, तुलसी विवाह का दिन। हम खड़े हैं तुलसी जी के साथ और भगवान विष्णु और तुलसी के विवाह के पीछे एक पौराणिक कथा है। वृंदा जो की असुरराज जालंधर की पत्नी थी और अपने पतिव्रता चरित्र के कारण पूरे संसार में आदरणीय थी। देव और असुर संग्राम के दौरान जालंधर असुर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और इस तरह वे उनके पति का रूप धारण कर वृंदा के पास चले जाते हैं। वृंदा भी उनको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। जब लेकिन वृंदा को पता चलता है कि ये भगवान विष्णु है और जिन्होंने छल से उनके पति का रूप धारण किया है, वे उनको श्राप देती है कि आप पत्थर हृदय के हो जाएं। और भगवान विष्णु उस श्राप को स्वीकार करके शालिग्राम में समा जाते हैं। देवताओं के विनय करने पर वे भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर देती हैं, लेकिन खुद अग्नि समाधि ले लेती हैं और समाधि जहां पर लेती है वहां पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हो जाता है। भगवान विष्णु उनके पतिव्रता गुण से खुश होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय भगवान विष्णु को होंगी और सदैव उनके साथ रहेंगी। इसलिए कार्तिक मास में देव उठावनी वाले दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है पूरे रस्मों रिवाजों के साथ। जोड़कर विनती है, थोड़ी देर में वरमाला का कार्यक्रम होगा। जैसे बराती आते हैं और लड़की वाले भी, आजकल तो थोड़ा मॉडर्न जमाना हो गया, पहले जो लड़के वाले आते थे उनको पहले चाय पानी देते थे।